Hello everyone, my name is Abdul Manan and I'm a Kashmiri who lives in the United States. Halanki mere walidain Kashmir mein rehte hain aur jaisa ki aap sab jante hain Kashmir pe yun to har waqt hi sanha guzre hain lekin ye jo recent sanha hum pe guzra hai is wajah se ek tarike se कश्मीर को अपने आप से ही एग्जाइल कर दिया गया है और अब कश्मीरियों को अपने घर में कैद कर दिया गया है और उसी कैद के चलते मेरी मेरे वालिदैन से कई दिन से बात नहीं हो पा रही है जैसा जो हाल बाकी कश्मीरियों का भी है। तो इस वक्त जब हमारे यहाँ से कश्मीर से कोई ख़बर आने की इजाज़त नहीं है, हुकूमत ने उसको एक तरह से गायब कर दिया, इनविजिबल कर दिया है, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक नज़्म जो कुछ महीने पहले छपी थी उसको कश्मीरियों के नाम करते हुए हर उस इंसान तक पहुंचाया जाए या जब पहुंचाने जाने की ज़रूरत है जो मज़लूम और ज़ालिम का फ़र्क समझता है। इस नज़्म का उन्वान टाइटल है यकीन, और ये यकीन इसी बात का है कि ये जो इस वक्त हम पे मुश्किल दरपेश आई है ये इस बाब का, इस चैप्टर का आखिरी सफ़ा नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड। और वो फैज़ का शेर है, गराज आज पे है ताला रकीब तो क्या, ये चार दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। तो बस उसी उम्मीद का को आर्टिकुलेट करते हुए, उसकी तर्जमानी करते हुए ये नज़्म कश्मीर और कश्मीरियों के नाम। रख यकीन मेरे हम कदम, थोड़ा तो यकीन रख, वहशत खुर्शीद को नम करने बारान वफा हो जाएगी, वीरानी शब को कम करने सहर बन के सबा छा जाएगी, खल्के खुदा के सीने में जब जोश जुनू बढ़ जाएगा, नाम जो जालिम चीर चुका हर लफ्ज़ से बोला जाएगा, ऐसा भी एक दिन आएगा ऐसी भी शामें गुजरेंगी जब जुल्म की ये शब जाने वफा यादों में याद न आएगी, जब हिजर के दुखते प्यालों में वसल की मैं भर जाएगी, जब शहर के ऊंचे मिंबर पर सच्चाक अलम लहराएगा, जब हक की अर्जी देने को हर फर्द खड़ा हो जाएगा, शहर के नाला कूचे भी जब गीत वफा के गाएंगे, जब सारे घर सारे खंडर किस्सा जफा दोहराएंगे, ऐसा भी एक दिन आएगा ऐसी भी शामें गुजरेंगी जब तुम और मैं और वो और हम फिर शहर सनम को सजाएंगे, जब याद खुदा के साए में बिछड़े मिलवाए जाएंगे, जब रश्के माहो गुल से हम बाम पे मिलने आएंगे, जब बात मिले महबूब को हम सब बातें दिल की बताएंगे, इश्क में जितने दाग लगे हम सारे दाग दिखाएंगे, ये चाक करे बा लेकर जब हम हिजर से वापस आएंगे, चाक करे बा लेकर जब हम हिजर से वापस आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम कश्मीरियों तक और हर उस इंसान तक पहुँचेगा जो इस जज्बे की कदर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।